नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप यहाँ पे चावल का अनरसा बनाना सीखेंगे। अनरसा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए तो आज हम आपको अनरसा बनाना बताते हैं। चावल के आटे से आप अनरसा कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 200 ग्राम मैंने चावल का आटा ले लिया है, 100 ग्राम मैंने चीनी ले लिया है, मीठा आप अपने अनुसार करेंगे, 50 ग्राम मैंने सफ़ेद तिल ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। बाउल में मैंने 1.5 ग्लास पानी ले लिया है, पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे चीनी को मैंने अच्छे से घोल लिया। अब हम इसमें चावल का आटा डाल के मिक्स कर लेंगे। ये आप देखेंगे एकदम गाढ़ा हो गया। अब हम इसे एकदम सूखा कर लेंगे। ये आप देखेंगे एकदम सूखा हो गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, हल्का ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम अनरसा बनाएंगे। इसे आप चाशनी में डालते हैं तो बहुत जल्दी ये सूखा होता है, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसे गाढ़ा होने में। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हल्का ठंडा हो गया है, हल्का सा घी लगा लेंगे हाथ में, फिर उसके बाद आप बनाएंगे अनरसा। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। इस तरीके से आप बना लेंगे। इस तरीके से बनाने के बाद आप तिल में इसे ऐसे डाल देंगे और डाल के चारों तरफ इसे इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद आप इसे प्लेट में रख देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से सारा मैंने तैयार कर लिया, चारों तरफ से इस तरीके से तिल भी लगा लिया है। इसी तरीके से आप सारा तैयार करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कढ़ाई मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया है, घी को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें अनरसा डाल के रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे इसे रोस्ट कर लेंगे। आप इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में, हल्का ये गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अनरसा हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से मैंने इसे तल लिया है, एकदम ब्राउन हो गया है। इसी तरीके से आप तलेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत जल्द तैयार भी हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।